हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, तो आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करो सिस्टम में। एमएस ऑफिस के अंतर्गत अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो 2010 हो या 2013 या 16 या 2019 हो तो और भी बेस्ट है। आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा एमएस ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको फाइल पर क्लिक करो, आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू। यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ हर एक साइज का हर एक टेम्पलेट बना सकते हो। आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्मली नॉर्मल फॉर्मेट। आप लोग अगर कोई बाउचर बनाना हो कोई तो वो बना सकते हो। बिजनेस कार्ड बनाना हो तो बिजनेस कार्ड बना सकते हो। कैलेंडर रेडी करना हो, कैलेंडर का कोई भी फॉर्मेट रेडी करना हो तो कर सकते हो यहाँ पे। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर कोरल ड्रा। अगर कोरल ड्रा नहीं पता है आपको तो आप इसको सीखो, आपके लिए वो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। ग्रीटिंग कार्ड बनाने तो यहाँ से बना सकते हो। लेबल रेडी करना चाहते हो लेबल भी रेडी करो। और न्यूज़लेटर है, पोस्ट कार्ड है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और कैसे काम होता है वो भी पूरा पूरा डिस्कस होगा। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई पोस्टर बैनर बना रहे हो तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो या अवार्ड वगैरह के लिए, स्पोर्ट में होता है ना, स्पोर्ट मीट होता है तो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, तो बाहर से बनवाते हैं ना, आप खुद बना सकते हो, खुद डिज़ाइन कर सकते हो। बैनर है, बिजनेस फॉर्म है, कैटलॉग है, ईमेल डायलॉग है, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, मेनूज़ वगैरह बनाने हैं तो आप बना सकते हो। यहाँ पे क्या करना है आपको मैं दिखाता हूँ क्या करना है। अब देखो, पहले फॉर्मेट होगा ब्राउचर का, इसको ओपन करो। यहाँ पे क्या है, बाउंस, कलर बैंड, मार्कर, इन सबको यूज़ करना है। तो एक सिंपल सा, देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, फोटोशॉप, एरो, बाउंस, यानी आपको बॉर्डर वाला काम करना है, बबल वाले काम करने हैं, कास्केट वाले काम करने हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन इस्तेमाल करते हो तो ऑनलाइन तो और भी मज़ेदार होगा। तो इसे यहाँ पे करना क्या, देखो यहाँ पे सिंपल सा कोई एक हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। हमने क्लिक किया स्पॉटलाइट, ऑप्शन होता है यहाँ पे नीचे सबसे क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं इसका, आप यह कलर देना चाहते हो तो कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कलर में फिक्स रहेगा। क्रिएट पर क्लिक करो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया। आप चाहते हो कोई बुक्स वगैरह के हेडिंग्स बनाना, बुक्स रेडी कर रहे हो तो उनके लिए भी कर सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो, न्यूज़ राइटिंग जैसा बना सकते हो इसको। तो यहाँ पर इसको काफ़ी मज़ेदार चीज़ बनाओगे अगर ये फॉर्मेट आ गया आपके पास तो। यहाँ पे क्लिक करो, आपको इतने सारे फीचर मिलेंगे ना काफ़ी। इसको आप हर एक शेप में सेट कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग थोड़ा शेप मिलेगा। देखो ध्यान से, ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखो बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ से क्या करना है, आपको नॉर्मली टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। कोई डिज़ाइन करना हो आपके पेपर का यानी बुक्स वगैरह के तो कर सकते हो अच्छे से। इसके बाद दूसरा हम ऑप्शन दिखाते हैं, यहाँ पे बिजनेस कार्ड बनाना हो तो क्लिक करो। हमें अगर कोई बिजनेस मैन है या कोई बंदा है तो उसको तो एक बिजनेस कार्ड बनाना पड़ेगा। अक्सर हम यूज़ करते हैं कोरल ड्रा का, तो कोरल ड्रा नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको पूरा बहुत सारा फॉर्मेट मिलेगा, ब्लॉक वाइज, बॉर्डर वाइज, देखो सब मिलना है। तो अगर कुछ अलग बनाना है तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक फॉर्मेट को इंस्टॉल करते हैं कोई एक। हमने क्लिक किया या हमने इस रेट्रो को ओपन किया, क्रिएट किया। अब देखो ये बिजनेस कार्ड आ गया। यहाँ पे क्या करना है, हमें बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, आपको बस केवल नाम चेंज करनी है। नाम चेंज करने में क्या करना है, कुछ कलर वगैरह करने हैं तो कलर वगैरह कर लो। यहाँ पर आपको मिलेगा, इंसर्ट पे जाओ, देखो ये सारे कलर मिलेंगे। आप कोई भी एप्लीकेबल करो आपको अलग अलग कलर मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ अलग करना चाहते हो, ये देखो आप खुद का बिजनेस कार्ड बना सकते हो अपने नाम से, यानी यहाँ पे बॉस का नाम, इसे मुझे अपने नाम से बनाना है, मैंने बना लिया अहमद। कौन सा पोस्ट है वो आपने बोल दिया, ठीक है ना।
a YouTuber. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर वगैरह, ओके। और यहाँ से आते हो कुछ टेम्पलेट वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक ही कर सकते हो, आपको ऑप्शन वापस मिल जाएगा। एक ही फॉर्मेट पे काम नहीं करेंगे हम, कई फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं है, दूसरा फॉर्मेट, ओके बटन करो। पूछ रहा आप लाइट टेम्पलेट करेंट पब्लिकेशन, ओके। अब आपको ये अलग तरीके से मिलेगा, है ना, तो इनका भी इस्तेमाल कर लो, यानी जैसा इस्तेमाल करना है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये डबल इमेज होता है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसका शैडो है ना, कमाल का। ओके, अगर आप कैलेंडर रेडी करना चाहते हो तो कैलेंडर पे क्लिक करो, आपको कुछ कैलेंडर के फॉर्मेट मिलेंगे, जैसे कि घर के कैलेंडर बना रहे हो या हॉलीडेज कैलेंडर कैलेंडर बना रहे हो, या इस अपने कुछ काम कर लिया मोबाइल वगैरह के लिए, टाइम सेट कर लिया, फोटो एल्बम बना रहे हो, ठीक है, इस वीडियो का मैटर बना रहे हो, तो आप इनका हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। जैसे एक हमें यह बनाना है, एक फोटो एल्बम बनाना है, तो हमने क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सब कुछ बना पड़ा है, हमें क्रिएट पर क्लिक करना है, एल्बम आ गया। इस पर क्या करना है हमें, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो इमेज आ गया। इमेज को चेंज करना हो तो फॉर्मेट जाते हो सीधा सीधा, ठीक है, और फॉर्मेट जा करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पिक्चर का, इस पर क्लिक करो। हम दूसरा पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक फ्रेम ले लिया और इंसर्ट किया, ओके। इस इमेज को अभी यहाँ लगा सकते हो, है ना कमाल का। ओके, यहाँ पे डेट वगैरह चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो, ये वर्टिकली है अलग अलग फॉर्मेटेड में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप कुछ चाहते हो थोड़ा सा सेट करके लेफ्ट राइट, अगर चाहते हो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन चेंज कर लो, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे फिट करने के लिए पूछ रहे हैं, बड़े बड़े वर्ड्स हैं तो उनको भी फिट कर देगा, और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्या, जैसे आप नॉर्मली एमएस वर्ड में यूज़ करते हो ना, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, तो मेजरमेंट सेम वैसे ही है, और कुछ चेंजे कुछ चीज़ें चेंज हैं थोड़ा बहुत, आप सेफ वगैरह सेट करना चाहते हो थोड़ा सेफ कर लो। इसके साथ ही यहाँ पेज डिज़ाइन जब जाओगे तो पेज का डिज़ाइन भी मिलेगा आपको, जो जो सूटेबल होगा आपके पेज पर कलर वो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ये फैसिलिटी आपके पास है। इसके साथ ही यहाँ बैकग्राउंड मिलेगा, बैकग्राउंड पे देखो ये देखो ऑप्शन, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग तरीके से, और भी खूबसूरत लगेगा। मोर बैकग्राउंड पे जाओ, यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल वगैरह हैं, तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो आप चाहो तो, जैसे मैंने ब्लैक ले लिया, ओके ओके करो, तो उस टाइप से कलर मिलेगा आपको बैक साइड में। यदि इसका आप टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्पलेट डिज़ाइन वगैरह, क्लिक करोगे ये अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे, इन फॉर्मेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे ये फॉर्मेट चाहिए तो क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक करिएगा। पूछ रहा है न्यू पब्लिकेशन या उसी पर चाहिए, आप ओके करो, ये फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। यदि आपको जैसा कैलेंडर फॉर्मेट चाहिए आप खुद को डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, कुछ बना सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। यहाँ पर ये बना सकते हो, बनाने के बाद इसको सेव कर लो और प्रिंट कर लो इमेज के फॉर्मेट में। कैलेंडर हो गया, ग्रीटिंग कार्ड देखो, ग्रीटिंग कार्ड में कुछ फॉर्मेट मिले हमें, यहाँ पर नीचे सबसे नीचे जाएंगे आप तो आपको नीचे फॉर्मेट मिलेगा, क्लिक करो, यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ फॉर्मेट, ये अलग अलग फॉर्मेट है। ग्रीटिंग कार्ड आपको कुछ अलग टाइप के चाहिए तो आप नेट से भी इस्तेमाल कर सकते हो, बर्थडे कार्ड है, बर्थडे गिफ्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो, या अलग के साइज चाहिए कुछ इस टाइप के, ठीक है, तो बहुत ही कमाल के मिलेंगे आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इसको क्रिएट करके भी इसमें कुछ अपना डिज़ाइन कर सकते हो अपने मन से, अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है तो। यहाँ पे क्लिक करो, कोई भी फॉर्मेट आप चेक कर सकते हो, हमने क्लिक किया, क्रिएट करते हैं, एक फॉर्मेट आ गया हमारे पास,
इस फॉर्मेट को आप अपने अकॉर्डिंग इमेज को सेट कर लो, कलर वगैरह आपको आता ही करना, अगर हमें एमएस वर्ड आपने पढ़ा है। ये फॉर्मेट आप निकाल सकते हो बाहर। तो इस तरीके से ना यहाँ पे आप अपने वर्क को बहुत आसानी से कर पाओगे। बॉर्डर वगैरह सेट करना चाहते हो, देखो बॉर्डर कमाल का मिलेगा, इस बॉर्डर को यहाँ लगा दो, सॉरी इस पर क्लिक करो, यहाँ बॉर्डर लगाओ, एक और बॉर्डर लगा दो, आपको इंसर्ट में ही सब मिलेगा, नीचे भी लगा दो। ठीक है, जहां से लगाना चाहते हो लगा लो इसको आराम से, ये सब बॉर्डर के स्टाइल मिलेंगे अलग अलग। कहने का मतलब है ना कि आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत बहुत ही प्यारा सा। देखो अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाना हो तो यहाँ पे ये सब बना सकते हो। कैसे करोगे, हम वापस जाएंगे फाइल पे, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मिलेगा हमें ग्रीटिंग कार्ड हो गया, लेबल देख लेते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा वर्क है, आप लेबल बनाना चाहते हो कोई भी, जैसे कि आइटम होता है, आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, या कोई नाम, किसी के बारे में डिटेल देना नाम दे करके, तो लेबल बना सकते हो यहाँ से। क्रिएट करो, एक फॉर्मेट आ गया। ये जो लेबल है इसको आप बना करके प्रिंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और जब बन जाए तो आप इसको सेव एज पे करो। सेव पे जाओगे आपको मिलेगा किस टाइप में सेव करना है, पीडीएफ में सेव करना है या इमेज में सेव करना, तो ये इमेज में एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी भी आइटम का यानी किसी भी प्रोडक्ट का आप लेबल बना सकते हो यहाँ पे बहुत आसानी से, कुछ अलग डिज़ाइन नहीं करना है, बहुत ही कमाल का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर है न्यूज़ लेटर, अगर कोई न्यूज़ लेटर बना रहे हो इस चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। आपने एक ओपन किया, क्रिएट करो, ये देखो पूरा मैगजीन है, एकदम कमाल का ऑप्शन। न्यूज़ लेटर आपको एक फॉर्मेट मिल गया, ये देखो स्टोरी बनाते रहो अच्छे से। अब इसका जो साइज़ वगैरह है ना, साइज़ तो आप वैसे भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिख रहा है, मार्जिन है, साइज़ वगैरह है, आपको अलग अलग पेज के बारे में। देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक बैनर का साइज़ क्या हो सकता है, एक छोटे साइज़ क्या हो सकता है, तो वो साइज़ जब सेलेक्ट करोगे तो बहुत ही कमाल का ऑप्शन बनेगा न्यूज़पेपर। ये देखो ये सब डिज़ाइन वगैरह, ओके अब इनका इस्तेमाल खुद करोगे ना तो और भी मज़ा आएगा। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करना है, बस इस पर टाइप कर सकते हो स्टोरी। देखो भाई हमें फॉर्मेट मिला है ऑलरेडी, हमें क्या करना है, मैटर को कॉपी करके पेस्ट कर देना है सीधा सा। ओके देखो क्या है, बैक पेज स्टोरी हेडलाइन, मान लो कोई मैगजीन पेपर बनाना हो, मैगजीन बुक बनाना हो तो आप बना सकते हो, बहुत ही कमाल का बनेगा मैं जानता हूँ। वापस जाओ न्यूज़ लेटर पे, आप देख सकते हो अलग अलग फॉर्मेट, एक फॉर्मेट को क्लिक किया, ओके करो, क्रिएट पे क्लिक करोगे आप चाहते हो कि डबल साइडेड बने, फ्रंट का अलग मैटर दिखे और सेकंड लुक। देखो ये कोई न्यूज़ टाइटल आ गया, आर्टिकल वगैरह उसका बना सकते हो, दोनों साइड चाहते हो दोनों साइड बना लो, बैक बैक एंड फ्रंट, और लास्ट वाला भी बना सकते हो, अपने बिजनेस कार्ड, अपने बिजनेस प्रोफाइल, ये सब बना सकते हो। न्यूज़ पे जाओ, वापस एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट कार्ड, क्लिक करो। अगर आप पोस्ट कार्ड वही बनाना चाहते हो, जैसे कि हमें कुछ भेजना होता है मैटर वगैरह, तो हमें चाहिए ना उसका फॉर्मेट, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके तो हम यहाँ पे इसको भी बना सकते हैं, किसी पे क्लिक करो और क्रिएट करो। अब यहाँ पे क्या है, बिजनेस नेम लिख दो और अपना प्रोडक्ट का जो इस आप सर्विस देते हो उसका नाम लिख दो, एड्रेस डाल दो। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे जाओ। अब नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे बैनर वगैरह के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, और कर के भी मैं दिखाऊंगा कैसे बनेगा। ठीक है, तो यदि आपको कुछ अच्छा समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और आप फ्रेंड लोग को भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।